फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट में हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर वेबसाइट पर जैसे ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल या वेबसाइट में जब अर्निंग होता है, तो आपका जो अर्निंग है दोस्तों, वो गूगल एडसेंस अकाउंट में दिखता है। तो जब $5 या $10 या फिर उससे जैसे ही आपका अधिक होता है, तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक ईमेल भेजता है कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद आपको पिन वेरिफिकेशन करना होगा, तभी दोस्तों आप यहां से अर्निंग अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि 2023 में गूगल एडसेंस अकाउंट में हम आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको और एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि हम पिन वेरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप 2023 में अगर यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं और आपने अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही दोस्तों आप 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे का वॉच टाइम हावर या 90 दिनों में आप 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करके दे देते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और इसमें 3 स्टेप होता है। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे 2023 में आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम आते हैं कि हम गूगल एडसेंस अकाउंट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि जब मैं यूट्यूब से जुड़ी कोई नया टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस अकाउंट में हम आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं अपने लैपटॉप पर लेकर चलता हूं, जहां पर आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन पर क्रोम ब्राउजर में जाके अपना जो भी एडसेंस अकाउंट का ईमेल है उसे लॉगिन करके डेस्कटॉप साइट में भी जा सकते हैं। मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ईमेल आया है तो ईमेल के प्रोसेस से भी बताऊंगा, और गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करके भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वहां से भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड अस यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। तो दोस्तों, एक्शन बटन पर हमें क्लिक करना होगा। जब हम एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट वाली सेक्शन में यहाँ पे बता रहा है प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट यू ऑल नीड फॉर वेरिफिकेशन, और कुछ डॉक्यूमेंट का नाम लिस्ट दिया हुआ है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। तो दोस्तों, आप गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करेंगे तो इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या पैन कार्ड है या वोटर कार्ड है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इसको वेरीफाई करवा पाएंगे। तो नीचे दोस्तों देख सकते हैं बैंक वेरीफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप एडसेंस अकाउंट में जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप बैंक वेरीफिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो, क्योंकि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं माउस से स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, और ना ही दोस्तों ये एरो डाउन एरो ऑफ एरो काम कर रहा है। तो हो सकता है कि ये पेज सही से वर्क ना करे, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ये आपका ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको आपको क्या करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, उसका भी उपाय है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लीगल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखना होगा जो आपका एडसेंस में है, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट आईडी में जाके आपको आईडी सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आईडी से आप वेरीफाई करा रहे हैं। लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो फाइनली हम जाएंगे कहाँ पर, ईमेल में, जहाँ पर हमें एडसेंस की ओर से ईमेल आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल आया हुआ है, इसको हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर बता रहा है कि यू ऑल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग ऑन YouTube, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपना एडसेंस अकाउंट को जितना जल्दी हो सके वेरीफाई करवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे एक वेरीफाई नाउ का बटन दिया हुआ है, तो हम सिंपली इस वेरीफाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एन आई डी टू वेरीफाई इट्स रियली यू।
तो आप दोस्तों जो भी एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है पैन से, तो ठीक है, हम यहाँ पे बीइंग ब्रो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल बटन आ चुका है। सिंपली यहाँ पे लीगल नेम पे क्लिक करके हम लीगल नेम लिखेंगे, और अभी मैं यहाँ पे ये ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि ये मैं किसी का डिटेल आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही से फिलअप करना है, जो भी नाम है आईडी प्रूफ में वो आपको यहाँ पे सही से टाइप करना होगा। एडसेंस अकाउंट जिसके नाम पे आप बनाए हैं उसी का आपको यहाँ पे देना होगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो मैं जो नाम है प्रिंट वही नाम सही से एंटर कीजिए, सेलेक्ट आईडी पे क्लिक करके जिस भी डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अब ध्यान रहे, पैन कार्ड अपलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो रहा है, और जैसे ये आपका अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो बैक साइड है वो भी आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। फर्स्ट साइड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे बैक साइड जो हमारा है पैन कार्ड का फोटो, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे स्कैन करके रख सकते हैं या मोबाइल से भी डायरेक्ट आप फोटो लेकर के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा ये प्रोसेस ले रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं जब तक ये अपलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से दोनों अपलोड हो चुका है, आपको यहाँ से सही सही सब कुछ मिलान कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फ्रेंड्स कुछ एक नया ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप देख सकते हैं इंटर योर एड्रेस, तो जो भी दोस्तों आप एडसेंस में एड्रेस दिए हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे सही सही फिल करना होगा, क्योंकि इसी एड्रेस में आपका जो गूगल एडसेंस के द्वारा पिन आएगा वो पिन आपको सबमिट करना होगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली दोस्तों वो सारा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो एक बार मिला लीजिएगा, चलिए हम भी एक बार यहाँ पे मिला लेते हैं। वो सारा चीज़ सही सही है, अब हम सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली आपका गूगल एडसेंस अकाउंट पर आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है वेरीफिकेशन इन प्रोसेस, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, द वेरीफिकेशन प्रोसेस मे टेक ए फ्यू डे, यू विल ईमेल यू द रिज़ल्ट, और यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन मिल रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो सक्सेसफुली हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए चला गया है रिक्वेस्ट, और ये हमारा वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हमें एक ईमेल आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो में जाना कि दोस्तों आप अपना YouTube चैनल का जो अर्निंग है या फिर अपना वेबसाइट का अर्निंग है गूगल एडसेंस में आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एडसेंस अकाउंट में हम एड्रेस वेरीफिकेशन कैसे करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कि आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।